नमस्ते, मैं आज बनाना जा रहा हूँ ढाबा स्टाइल कढ़ाई चिकन करी। देखिए, मैं जीरा लिया 100 टेबलस्पून जीरा, रेड चिली, स्लाइस ओनियन। ध्यान से देखिए मेरे वीडियो, लास्ट तक देखिए। आप लास्ट तक देखें तो मेरा रेसिपी पता चलेगा। ये ढाबा स्टाइल कढ़ाई चिकन करी, ओनियन, सूखा मिर्ची, जीरा, ऑयल, इतना देखिए। थोड़ा चॉप गार्लिक डाल दिया मैं। देखिए ध्यान से मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। मेरा वीडियो लास्ट तक देखे तो आपको रेसिपी पता चलेगा। सिंपल का रेसिपी है, बहुत मस्त डिश है खाने के लिए। इसमें मैं ऐड कर दिया ओनियन, कैप्सिकम। देखिए ध्यान से ढाबा स्टाइल कढ़ाई चिकन करी। आप रेसिपी अच्छी तरह से देखिए, रेसिपी पता चलेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। मैं डाल दिया 3 kg चिकन, अच्छा से धो के डाल दिया। उसके बाद मैं ऐड कर लेता हूँ थोड़ा हल्दी पाउडर और सॉल्ट। आपको बारीक बारीक भी बताता हूँ। मसाला, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कढ़ाई मसाला, बस इतना ही चाहिए। हल्दी पाउडर और सॉल्ट, बस इतना ही मसाला आपको चाहिए। अब ऐड कर लेता हूँ मैं हल्दी, सॉल्ट, ये दोनों ऐड करके मैं अच्छी तरह से उसको मिला देता हूँ। देखिए इस तरह मैं पानी चिकन छोड़ दिया। उसके बाद मसाला ऐड कर लेता हूँ। देखिए, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, कढ़ाई मसाला, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कढ़ाई मसाला पाउडर। देखिए इसको अच्छी तरह से मिला देता हूँ। देखिए अच्छी तरह से मिल गया। उसके बाद मैं कटा हुआ टमाटर 4 पीस डाल दिया। देखिए इस तरह, आपको ज़्यादा जोर गैस का फ्लेम में बनाना नहीं, स्लो मीडियम में फ्लेम में आपको बनाना है। देखिए अच्छी तरह से देखिए। उसके बाद मैं बटर ग्रेवी डाल दिया। काजू टमाटो में ये ग्रेवी बनता है, वो ग्रेवी में ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद उसको थोड़ा अच्छा से मिला लेता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद और एक ग्रेवी डालेंगे, जो ग्रेवी है वो उसको बोलते हैं येलो ग्रेवी। उसको अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा येलो ग्रेवी ऐड कर लेता हूँ। देखिए येलो ग्रेवी, ये भी ओनियन, काजू, 4 मगज में ये ग्रेवी मिलता है, बाजार में मिलता है। उसको मैं बना के रखा है, उसको ऐड कर लेता हूँ। देखिए अच्छी तरह से ऐड करने के बाद, देखिए आपके पास बटर रहेगा तो घी रहेगा तो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका रेडी ढाबा स्टाइल कढ़ाई चिकन करी। मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। मेरा वीडियो देखते रहेंगे। थैंक यू।